हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट आज हम डिस्कस करने वाले हिंडालको के बारे में हिंडालो का स्टॉक में सेवन परसेंट का उछाल है आजकल ये आई है फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स एट दैट फाइव सेवेंटी के करीब ट्रेड कर रहा है मार्केट में जो रिकवरी आई है उसमें सबसे बेहतरीन जो परफॉर्म कर रहा है वो मेटल स्टॉक एंड मेटल में भी एल्यूमिनियम स्टॉक्स एंड उसी के साथ साथ जो परफॉर्म कर रहा है वह है स्टॉक्स एंड रिलायंस भी निचले स्तरों से चार परसेंट रिकवर हुआ है इसलिए मार्केट में इतना अच्छा कम हमने देखा है डेफिनेटली एट दैट मोमेंट आपको बाई नहीं करना क्योंकि फाइव सेवेंटी फाइव ऐसा रेजिस्टेंस फाइव सेवेंटी फाइव फाइव एटी के करीब आया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए डेफिनेटली जिन लोगों ने फाइव हंड्रेड एंड फाइव के करीब बाई किया है वो तो अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए फिर से नीचे आए देन वी विल बाई अगर थिंग्स विल गेट नॉर्मल सो तो ऐसा नहीं है कि एलोमिनियम के पड़े आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेंगे जब तक टेंशन है तब तक हिल डार्ड को बढ़ेगा एक बार यूके रशिया में अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम जरूर देखेंगे एंड इस पर्टिकुलर लेवल पे बाई करना थोड़ा रिस्की है स्पेशली फॉर ट्रेडर्स 550 फिफ्टी फाइव फोर्टी करिए बाय देन यू कैन डेफिनेटली बाई प्रेजेंट जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो टेन के करीब है एंड मार्केट कैप जो है वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का है सो so डेफिनेटली अगर आपको किसी स्टॉक में बाय करना है एट दैट मोमेंट इन मेटल सेगमेंट हिंडल को नल को या फिर जे स्टील अभी अवॉइड कीजिए थोड़ा नीचे आए डेफिनेटली बाई कीजिए आई एम नॉट टेलिंग यू टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट ऑल डेफिनेटली अगर स्टॉक कम रिलेटिव एंड इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स इंडेक्ट जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है टेक्निकल एनालिस के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल सेवेंटी ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है थर्टी के नीचे ओवर स्कोर है फिफ्टी नाइन में फोर्टी सेवन अपरा क्लोजिंग ये आर का जो स्कोर है सिक्सटी के ऊपर चला जाएगा एम का स्कोर डेफिनेटली फिफ्टी ऊपर चला जाएगा सो ओवर और एंड ओवर जोन के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर चला गया क्योंकि इससे पहले भी स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा था अगर हम इस स्टॉक का हंड्रेड एंड्रेड सिंपल एक्सप्रेशन तो उससे तो बहुत ऊपर है फोर फिफ्टी फोर एट्टी टू फाइव हंड्रेड एंड टू फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी सो डेफिनेटली स्टॉक ने फिफ्टी डे एक्सप्रेशन एवरेज को दो दिन पहले ही रेस्पेक्ट किया जब हिंडल को फाइव हंड्रेड एंड फाइव का लो टच किया था बट फाइव हंड्रेड इज अ बिग बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड एट दट मोमेंट ये फाइव सेवेंटी के करीब है डेफिनेटली सबसे बड़ा सपोर्ट हो गया फाइव फिफ्टी सो जो डेटेडर है उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो है फाइव सिक्सटी एंड अगर आपका हराइजन एक व्विक का है सो डेफिनेटली फाइव फिफ्टी आपका एक सिक्स स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ मैक्सिमम ये फाइव सेवेंटी वे 550 जाके वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो बनता है वह 575 70 बाय 580 एंड सिक्स हंड्रेड ऑलरेडी फाइव सेवेंटी के करीब so, ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं फाइव सेवेंटी फाइव आई डोंट थिंक सो आज क्लोजिंग में ब्रेक करेगा क्योंकि मार्केट क्लोजिंग क्लोजिंग होते होते निफ्टी पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगा गया एट दैट मोमेंट निफ्टी भी सेवन हंड्रेड के करीब ट्रेड कर रहा है सेवन हंड्रेड से थोड़ा नीचे डेफिनेटली आ क्योंकि कर मार्केट क्लोज रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा यह कैप आना डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सो एट दट मोमेंट जिन लोगों का बाई करने का प्लान अभी अवॉइड कीजिए किसी के सुनने के बाद एट दट मोमेंट डो नॉट बाई इन हिंडाल को अगर आने वाले टाइम में और नीचे गिरता है तो डेफिनेटली हिंडाल को बैंक ये सबसे बेहतरीन स्टॉक है जो आपको डिप्स में बाई करना है डेफिनेटली फाइव हंड्रेड बट फाइव फिफ्टी के करीब है उसके नीचे मिलता है सो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है अगर हम वैल्यशन को कंपेयर करें सो so, डेफिनेटली हिंडालको एंड नैलको बोथ आर वेरी वेरी वैल्यूएबल स्टॉक एंड अगर एलुमिनियम सेक्टर में आपको बाय करना है हिंडालको नैलको एंड वेदांता हालांकि वेदांता जो है वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में काम करते हैं इच एंड एवरी मेटल में उनका सो डेफिनेटली तीनों स्टॉक में आपको इक्वल पोजीशन में बाय करना ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडाल को चलेगा नैलको वेदांत नहीं चलेगा हाँ डेफिनेटली प्रोपोर्शनेट वाइज अगर आपको एलमुनियम स्टॉक को फेवरेट है सो so इंडालको में आपको मैक्सिमम फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट रहना है नैलको में थर्टी परसेंट एंड जो रिमेनिंग स्टेक हो आपको डेफिनेटली वेदांत में रखना है ये हो गया एलमोनियम सेक्टर की बात तो तीनों स्टॉक जो है वैल्यू फॉर मनी है प्राइस ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा एट्रैक्टिव है अगर हम इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो रिजल्ट्स वाज वेरी गुड सेल्स बढ़े थे बट प्रॉफिट जितना बढ़ना चाहिए था तो उतना ही बड़ा हालांकि थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव कर का प्रॉफिट जो बढ़ते थी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटीन करोड बट डेफिनेटली मार्केट को फोर थाउजेंड का प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन था जिस तरह से मार्केट में एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ रहा है आने वाले क्वार्टर में इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा देर इज नो डाउट अंदर एंड ऐसा अगर नेक्स्ट एक दो वीक भी चला सो नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो शानदार आएंगे फोर थाउजेंड करोड़ हम क्रॉस करते देंगे इसलिए सारे एलुमिनियम स्टॉक में इतना अच्छा बाइंग है बट डेफिनेटली अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है सो इन दैट केस जो एलमिनियम का प्राइस आएगा वो गिरेगा क्योंकि प्रोडक्शन फिर से बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा एंड डिमांड तो स्टेबल रहेगा सो डेफिनेटली इन दैट पर्टिकुलर केस डिमांड एंड सप्लाई में जो चेंज आएगा उससे एलूमिनियम का प्राइस घटेगा एंड इन दैट केस इन को में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है इन स्टॉक नीचे आ सकता है देन जो लोग ट्रैप हो सकते हैं अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग देखे थर्टी फाइव प्रोमोटर्स के, के पास है एफ के पास ट्वेंटी सिक्स के पास ट्वेंटी पब्लिक होल्डिंग एटीन परसेंट सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल स्टॉक सभी का देखे ओवर दीआई अपने स्टेक को घटाया है एफ ने अपने स्टेक को घर बढ़ाया है सो डेफिनेटली पब्लिक होल्डिंग भी थोड़े घटे हैं सो डेफिनेटली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डी आई एफ आई एंड रिटेल इन्वेस्टर बोथ आर वेरी वेरी बुलिस इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड आपको भी इस स्टॉक को बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए